हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप 1 लाख रुपया लगा के 33 करोड़ रुपया तक बना सकते हो। ये जो कंपनी है वो केमिकल की कंपनी है और आप सब लोग को पता है कि केमिकल कंपनी में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में कुछ केमिकल कंपनी रखें ताकि आपका वेल्थ क्रिएट बहुत तेज़ी से हो सके। हम सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से करोड़पति बने, अरबपति बने। समय देते हो भाई, 10 साल 20 साल अपनी पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को रखते हो तो वो कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये जो फ्रेंड कंपनी है वो कई सारी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक केमिकल बनाती है, जैसे पेंट एंड पिगमेंट, प्लास्टिक, फार्मा और कई सारी इंडस्ट्री के लिए ये केमिकल बनाती है। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट दे देता हूँ और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन बारे में पता, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर फ्रेंड वो कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तभी जाके आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 2017 में था वो 887.89 था सितंबर 2017 में, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 1299.59 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका नेट सेल्स नहीं कम रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम सितंबर 2017 में था वो 888 था, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 1299.76 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2017 में था वो 160.28 था, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 242.09 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा सितंबर 2017 में था वो 160.39 था, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 242.33 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज, और किसी भी क्वार्टर में इसका ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम रहा है ना एबिटा भी कम रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस पे देख काफ़ी ज़बरदस्त है। सितंबर 2017 में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले था वो 78.51 था, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 122.92 हो चुका है। तो देख लो, 78 से 122 हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट सितंबर 2017 में था वो 78.51 था, और सितंबर 2018 हो चुका है वो 122.92 हो चुका है। तो मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट ले रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए, मार्च 2014 में जो नेट सेल था वो 2632.78 था मार्च 2014 में, और मार्च 2018 हो चुका है वो 3699.31 हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा इसका नेट सेल है ईयर टू ईयर वाइज। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम मार्च 2014 में था वो 2643.20 था मार्च 2014 में, और मार्च 2018 हो चुका है वो 3701.44 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है ईयर टू ईयर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2014 में था वो 395.49 था, और मार्च 2018 हो चुका है वो 656.73 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, और ऐसी कंपनी फ्रेंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ही बना के देता है। एबिटा देख लो, एबिटा मार्च 2014 में था वो 405.91 था, और मार्च 2018 हो चुका है वो 658.86 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर मार्च 2014 में था वो 148.69 था मार्च 2014 में, और मार्च 2018 हो चुका है वो 316.44 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। देख सकते हो, 148 से 316 हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट मार्च 2014 में था वो 148.69 था मार्च 2014 में,
और मार्च 18 हो चुका है वो 316.44 हो चुका है, तो पैट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको एनुअल ईपीएस भी दिखा दे रहा हूँ, तो देखो एनुअल ईपीएस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मार्च 14 में जो एनुअल ईपीएस था वो 16.78 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 38.92 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका एनुअल ईपीएस भी नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो देखो इसका ईयर टू रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, अगर इसी टाइप से ये कंपनी रिजल्ट पेश करते रहें तो ये जो है वो आपको कई गुना रिटर्न बना के दे सकता है। आरती इंडस्ट्री का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो फ्रेंड कंपनी है वो कई तरह के स्पेसिफिक केमिकल बनाती है, जो बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, बेबी ऑयल हो गया, सैंपल हो गया, रिफाइनरी ऑयल हो गया, पेंट एंड पिगमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, फूड बेवरेज हो गया, और कई तरह के इंडस्ट्री में इनका केमिकल यूज होता है। आपको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे केमिकल मैं क्लिक कर दिया हूँ, तो यहाँ पे देख लो डाइस है, बेसिक फार्मा है, पिगमेंट है, एग्रोकेमिकल है, फ्लेमर है, फर्टिलाइजर है, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस एंड फूड बेवरेज, रिफाइनरी एंड वाइल्ड फील्ड केमिकल, और भी कई तरह के ये स्पेसिफिक केमिकल बनाती है। सर्फैक्टेंट्स में देख लो, सर्फैक्टेंट्स में भी काफ़ी सारे यहाँ पे देख लो मार्केट सेगमेंट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो बेबी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, स्किन एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ग्रुप यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो कई सारे इनके पास ये है, सन केयर, ये सब जो भी आते हैं आपको पता है पर्सनल केयर में ये सब आते हैं। तो इनके पास कई सारे भाई स्पेशली केमिकल है जो कई सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। आप इस कंपनी वेबसाइट विजिट करें और देखें कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशली केमिकल बनाती है। आप जब तक तो विजिट नहीं करेंगे फिर तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहता भी हूँ कि आप किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले एक बार कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे, तभी जाके आपको अच्छी से समझ में आएगा। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड अब तक किस तरह रिटर्न बना के दे चुकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 10 साल में आरती इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 4,947.90% रिटर्न है, तो अच्छा खासा 10 साल में रिटर्न बना के दिया है। सेंसो का रिटर्न है वो 282.62% रिटर्न है। 3 ईयर में देख लो, 3 ईयर में भी रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर में रिटर्न है वो 211.29% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो 44.73% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 1 ईयर में रिटर्न है वो 38.99% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो 3.65% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 8.76% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो -0.60% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है वो 8.82% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो -0.30% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है वो 6.53% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो 0.01% रिटर्न है। 1 डे में जो रिटर्न है वो 0.85% का रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो -0.43% रिटर्न है। अब मैं बात करता हूँ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करता हूँ। और देखो बड़ा जब भी पैसा बनेगा तो वो लॉन्ग टर्म ही बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1-2 साल में बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लूँगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जिन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया है फ्रेंड, वो कम से कम 10 साल 20 साल होल्ड किए हैं तभी जाके बड़ा पैसा बना है। तो इस समय अगर आप आरती इंडस्ट्री में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और आरती इंडस्ट्री आपको 50% रिटर्न हर साल बना के देता है, तो 20 साल बाद जो पैसा हो जाएगा वो 33 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, 33 करोड़ 25 लाख रुपया हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड रिटर्न। क्योंकि आरती इंडस्ट्री जैसी कंपनी आपको बहुत रिटर्न बना के दे सकता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे 50% एनुअली रखा हूँ, लेकिन आपको ही पता है कि आरती इंडस्ट्री कितना रिटर्न बना के देगा। तो आप लोग आरती इंडस्ट्री में खरीदारी कीजिए और ढेर सारा पैसा बनाइए। अगर आप एक एक भी स्टॉक खरीदते हो भाई, तो आपको एक दिन ये कंपनी वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो आप लोग आरती इंडस्ट्री में खरीदारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आरती इंडस्ट्री का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 53% की होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है वो 4.22% की होल्डिंग है, तो अच्छा खासा FIS की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 13.28% की होल्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अदर डे पर जो होल्डिंग है वो 0.64% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 28.85% होल्डिंग है।
कोई भी शेयर आरती इंडस्ट्री का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है वो 8.06% होल्डिंग है। आपको मैं आरती इंडस्ट्री का वैल्यूएशन भी दिखा दे रहा हूँ। पी रेशियो है आरती इंडस्ट्री का वो 32.44 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7.46 का है। तो ये स्टॉक 7 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है वो 0.06% का। ROC जो लेटेस्ट है वो 17.23% का है। ROE जो लेटेस्ट है वो 22.99% का है। तो मुझे इसका ROE अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो, वैल्यूएशन यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। क्वालिटी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्वालिटी एवरेज बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 13.91 का सेल्स ग्रोथ है 5 ईयर का। एवरेज जो ग्रोथ है 5 ईयर का वो 19.58 है। तो मुझे यहाँ पे एवरेज ग्रोथ काफ़ी अच्छा लग रहा है 5 ईयर का। तो यहाँ पे भी देख लो आरती इंडस्ट्री ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिए। तो देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 4930.32% रिटर्न है। तो लगभग 10 साल में 5000% रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न है वो 1516% रिटर्न है। 3 साल में 210% रिटर्न है। तो ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे रही है, क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और आप लोगों ने भी देखा है इसका ईयरली रिजल्ट कितना ज़बरदस्त है, क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से ये कंपनी कंसिस्टेंट आपको रिटर्न बना के देगी। तो आप लोग भी पोजिशन बनाइए, ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। आरती इंडस्ट्री का बावनवी जो हाई है वो 1579.85 रुपये है। 52वीं की लो है वो 102.10 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 92% लेवल है बाई कीजिए, 8% लेवल है सेल कीजिए। मार्केट कैप देख लो आरती इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा है, 12677.92 का मार्केट कैप है। पी जो है आरती इंडस्ट्री का वो 32.75 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है वो 26.75 का है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आरती इंडस्ट्री का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है वो 186.37 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर जो है 47.61 का अर्निंग पर शेयर है। फेस वैल्यू 5 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग आरती इंडस्ट्री को खरीदिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत तरह के स्पेसिफिक केमिकल बनाती है जो कई सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। ये कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। थैंक यू।